नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर जब से सरकार ने 1950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद करने का ऐलान किया है, तब से किसानों के चेहरे पर भारी खुशी दिखाई पड़ रही है और अपनी पैदावार लेकर किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण बर्बाद हुई फसल के कारण भारी संख्या में किसान मायूस भी हैं। इसी को लेकर युवा कांग्रेसी नेता एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे राव अर्जुन सिंह ने आज रेवाड़ी में जिला सचिवालय पहुंचने केवल सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि बर्बाद हुई बाजरे की फसल की गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए पल पल की खास रिपोर्ट। तो 100-150 लोग और आ जाएंगे, हम पूरे दिन खड़े रहेंगे। ठीक है, हमें ज्ञापन देना है, खाली डीसी साहब को देना है। डीसी के पीएवे को नहीं देना मुझे, किसी को ज्ञापन नहीं। एसडीएम साहब बता रहे हैं, डीसी साहब को लेके आओ आप। ठीक है, बोल दीजिए। हाँ जी, राम राव से है, राम सिंह। राम राव जिंदाबाद।